हेलो, आई एम दिव्या फ्रॉम टेकपैल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इससे पिछले सारे वीडियोस में हमने आपको यहाँ से जितने टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हुए थे, जिसमें क्लास बताया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी हमने उसमें डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो ओवरलोडिंग मेथड्स का मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म और फिर कंस्ट्रक्टर। तो ये सारे इसके बाद जो इनहेरिटेंस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट किसके हैं? मीन जावा के प्रिंसिपल्स हैं ये। तो अब हमें पढ़ना है, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, जावा प्रिंसिपल्स। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 पिलर्स होते हैं, जैसा मैंने पहले अपने वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था। तो ये 5 पिलर्स होते हैं। वो पिलर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट जो होता है वो है कंस्ट्रक्टर, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेकेंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद सेकेंड है पॉलीमॉर्फिज्म। सेकेंड है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जिसको आप कह सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और सेकेंड पॉइंट होता है मेथड ओवर राइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है, इसको ये कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है? ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और सेकेंड जो मेथड ओवरराइडिंग है वो क्या है? वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है। सेकेंड जो जावा का मेन प्रिंसिपल है वो है इनहेरिटेंस, जो कि कई टाइप्स का होता है, और ये सारे टॉपिक्स हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। चौथा जो इसमें है वो है अब्स्ट्रैक्शन, और पांचवा पॉइंट है इनकैप्सुलेशन, जो कि आपकी सिलेबस में बहुत कम है और एग्जाम्स में भी बिल्कुल बहुत ही कम पूछता है। तो अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, दो पॉइंट्स आपको बहुत थोड़े थोड़े ही इसके डिफिनीशंस बस देखने होंगे। मेन जो आपको देखना है वो आपके थर्ड चैप्टर में है, कंस्ट्रक्टर और पॉलीमॉर्फिज्म, और पूरा चौथा चैप्टर कौन सा है? इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर के साथ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने लायक है? सबसे फर्स्ट तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? सो कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड डिफाइंड विद इन अ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड डिफाइंड विद इन अ क्लास डिफाइंड विद इन अ क्लास दैट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। मीन्स कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, किसी क्लास के अंदर बनाया गया एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सेम किसकी तरह होता है? क्लास के नाम के जैसा होता है। और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कंस्ट्रक्टर डजन्ट हैव एनी रिटर्न टाइप। मीन्स डेटा टाइप आप उसको कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि फंक्शन मेथड बनाते टाइम मेथड के नाम से पहले डेटा टाइप या टाइप उसका लगाया जाता है। जैसे वाइड, जैसे हमने लिख दिया इंट मेन, जैसे लिख दिया वाइड मेन, तो यहाँ इंट मे और वाइड, ये सब क्या है? ये उसके टाइप हैं, ये रिटर्न टाइप हैं। तो ये डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड, उसके साथ वाइड भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विथ कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड डिफाइंड विथ पब्लिक कीवर्ड। हमेशा जो
कंस्ट्रक्टर होता है किस टाइप का होता है, पब्लिक टाइप का होता है, पब्लिक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है। सो कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, पता है हमें कि मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्टर जो भी मेथड है उसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। बट कंस्ट्रक्टर डज नॉट नीड टू कॉल, डज नॉट नीड टू कॉल टू एग्जीक्यूट द कोड, टू एग्जीक्यूट द कोड। कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हुए कोड को कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट कॉल्स बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब कभी भी कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर बनाया गया है, जिस क्लास के अंदर बनाया गया है, जब कभी उस क्लास का जब कभी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया रिक्टेंगल, हमने एक क्लास बनाया रिक्टेंगल, रिक्टेंगल ये क्लास है हमारी। इस क्लास के अंदर अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसके नाम के पहले हम लिखे पब्लिक और कोई वाइड कोई इंट कुछ भी ना लिखें, और सीधे हम सेम उसका नाम ऐसा दें जैसा कि इस क्लास का नाम है, तो ये तो क्लास है। हम इसके इसको फंक्शन बनाए, फंक्शन बनाए का मतलब ऐसे पैरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर हम क्या लिखें, स्टेटमेंट्स लिखें, काम कुछ लिखें, कुछ प्रोग्राम लिखें, तो ये आपका क्या है, ये जो है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। और जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी बनाएंगे, ये अपने आप इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। और सपोज आपने यहाँ पे बनाया एक क्लास और उसके बाद आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आपने लिखा रिक्टेंगल और यहाँ पे आपने पैरामीटर पास कर दिया, आपने लिखा इंट लेंथ कॉमा इंट वेथ या फिर आपने कुछ भी लिख दिया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट जो भी काम करना आपने वो लिखा, तो ये भी सेम एक कंस्ट्रक्टर है। लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसके साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने लायक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों यूज़ किया जाता है, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये अपने आप बाई डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच।